वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 इंग्लिश का चैप्टर द ब्राउनिंग वर्जन। दिस चैप्टर इज इन अ प्ले फॉर्मेट एंड इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एक टीचर एंड स्टूडेंट की कॉन्वर्जेशन। यू नो, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा चैप्टर है ये। कई बार आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, जैसे हमारे स्कूल में बहुत सारे टीचर्स होते हैं बट कुछ टीचर्स होते हैं थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं जिनसे हम इतना ओपन अप नहीं हो पाते एंड कुछ टीचर्स होते हैं मे बी ऐसे टीचर्स ना यंग होते हैं, जैसे जो थोड़े यंग टीचर्स होते हैं और उनसे हम काफ़ी ना ओपन अप हो जाते हैं, हम काफ़ी फ्रेंडली तरीके से उन टीचर्स से अटैच हो जाते हैं और बातें करने शुरू हो जाते हैं। और कुछ होते हैं स्ट्रिक्ट टीचर्स जिनसे हम थोड़ा डर के रहते हैं और इतना उनसे नहीं बात कर पाते हैं, उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, इमेजिन कर लो अपने दो टीचर्स जिनसे आप बहुत फ्रेंडली हो और जो थोड़े आपको स्ट्रिक्ट लगते हो और उनके सारे ऑर्डर्स आप मानते हो, यानी कि उनकी बात आप हमेशा जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। तो वैसा सा ही ये चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सा। ये जो प्ले है ना द ब्राउनिंग वर्जन, ये काफ़ी बड़ा प्ले है, उसका बस एक छोटा सा पार्ट जिसको एक्सर्प्ट मेंशन करा गया वो हम इसमें पढ़ने वाले, यानी कि ये प्ले तो बहुत बड़ा है बट थैंक गॉड हमारे को तो बहुत थोड़ा सा ही पढ़ना है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। तो मेनली सबसे पहले अगर आपको कोई प्ले पढ़ना होता है तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए प्ले के कैरेक्टर्स पे। तो कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया, पहला कैरेक्टर है हमारा टैपलो नाम का एक बच्चा, ठीक है, जो एक मतलब 16 ईयर्स ओल्ड का बच्चा है जिसका नाम है टैपलो, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर आप मान लो है हमारे फ्रैंक नाम के एक यंग टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं। कौन? फ्रैंक नाम के टीचर, यंग टीचर जो साइंस पढ़ाते हैं, इनको आप मान लो वो आपके स्कूल के टीचर जिनसे आप थोड़ा बहुत ओपन अप होकर डिस्कशंस कर सकते हो, बात कर सकते हो। थर्ड कैरेक्टर है हमारे मिस्टर क्रॉकर हैरिस, जिन्होंने टैपलो को बुलाया है, ठीक है। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने ना टैपलो को बुलाया है किस लिए? एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए। आपके साथ भी स्कूल में ऐसा होता होगा, कभी तुम छुट्टी मार लेते हो, टाइम पे काम कंप्लीट नहीं करते हो तो मैम एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाती हैं आपको। नोबिता के साथ ऐसा यूजुअली होता है, उसको स्कूल के बाद रुकना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो टैपलो है इसने एक दिन छुट्टी मारी थी, तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कौन से हैं? ये एक मिडिल एज्ड के टीचर हैं, प्लस ये वो स्ट्रिक्ट वाले टीचर हैं। मैंने आपको कहा ना स्ट्रिक्ट वाले टीचर जिनके ऑर्डर्स हम मानते हैं, जिनकी बातें हम मानते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। तो क्रॉकर हैरिस तो स्ट्रिक्ट वाले टीचर है, ये फ्रैंक जो है थोड़े फ्रैंक वाले टीचर हैं, ठीक है। तो अब मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने एक्स्ट्रा काम करने के लिए यानी कि होमवर्क एक्स्ट्रा कुछ करने के लिए जो है टैपलो को बुलाया है। अब जब टैपलो जाता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के पास स्कूल में, तो उस समय मिस्टर क्रॉकर हैरिस वहाँ पे होते ही नहीं है, वो कहीं और बिजी होते हैं, ठीक है, उनको कुछ काम आ गया होता है, वो आए नहीं होते हैं। और टैपलो पहुँच जाता है जहाँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया होता है स्कूल में। तो अब वहाँ पे जो है वो देखता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो है नहीं, जो दूसरे टीचर है फ्रैंक बैठे हुए हैं। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फ्रैंक एंड टैपलो की कॉन्वर्जेशन, यानी कि टैपलो जाता है वहाँ पे मिस्टर फ्रैंक होते हैं। अब जो है वो दोनों आपस में काफ़ी सारी बातें करते हैं, कुछ डिस्कशन भी करते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे। तो वो हमें पढ़ना है क्या डिस्कशन वो करते हैं। एंड प्लस एक और करेक्टर आती है हमारे इस चैप्टर में, वो कौन है? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ, जिनका नाम है मिली क्रॉकर हैरिस, ठीक है। वो बिल्कुल एंड में आएंगी एंड वो जो है ये जो हमारा टैपलो है ना उसको भेज देते हैं, चलो अभी मेरे हस्बैंड को आने में तो बहुत देर है तो मार घूम के आ जाओ, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। आप छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कर लो कि आपको स्टाफ रूम में किसी टीचर ने बुलाया है, ठीक है, आप स्टाफ रूम में गए हो तो जो टीचर ने आपको बुलाया है वो तो प्रेजेंट नहीं है, कोई और टीचर जो बहुत फ्रेंडली से वो वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप वहाँ पे खड़े होकर उनसे जो है अपने स्ट्रिक्ट वाले टीचर के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर रहे हो। ऐसी सी इसकी सेटिंग है। लेट अस डिस्कस द चैप्टर इन डिटेल। तो ये जो है एक प्ले के फॉर्मेट में डायलॉग्स गिवन होते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको डायलॉग्स को हिंदी में कन्वर्ट करके बता रही हूँ, ठीक है। तो फ्रैंक यानी कि वो जो फ्रैंक वाले टीचर है ना, जो फ्रेंडली वाले टीचर, वो कहते हैं डू आई नो यू। तो जैसे ही टैपलो वहाँ जाता है तो मिस्टर फ्रैंक पूछते हैं, जो टीचर फ्रैंक को पूछते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ? तो टैपलो कहता है नहीं सर आप मुझे नहीं जानते हो। तो फ्रैंक पूछते हैं व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? तो टैपलो बताता है मेरा नाम टैपलो है, जो नाम है वही तो बताएगा। तो फ्रैंक कहते हैं अच्छा टैपलो, नो मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, लगता है तुम साइंटिस्ट नहीं हो। अब यहाँ साइंटिस्ट से मतलब ये है कि मिस्टर फ्रैंक साइंस पढ़ाते हैं ना, तो वो कह रहा है अच्छा तुम अभी साइंस स्ट्रीम के बच्चे नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। तो टैपलो कहता है नहीं सर मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, मैं तो लोअर फिफ्थ में ही हूँ, अभी तक ना मैंने स्पेशलाइज नहीं करा है नेक्स्ट टर्म में, एंड अगर मेरे को रिमूव मिल गया तो शायद मैं साइंस का स्टूडेंट बन जाऊँ। यहाँ रिमूव से मतलब है प्रमोट हो गया, अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए तो शायद मुझे साइंस मिल जाए। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही होता है ना, जैसे कि व्हेन यू आर इन एट्थ, समझ लो आप, यहाँ तो ये लोअर फिफ्थ है, ये दूसरी ब्रिटिश स्कूल्स के हिसाब से क्लास बता रखी है। हमारे यहाँ भी होता है कि अगर आप लोगों ने 9th-10th में के बाद अगर 11th में PCM PCB लेनी है तो कुछ मार्क्स होते हैं आपके, आपको भी लगता है कि कितने मार्क्स आ जाएंगे मेरे तो आई बी एबल टू गेट PCM PCB, ठीक है, ऐसा होता था, अब तो पॉलिसी चेंज हो रही है तो समझ गए। तो वो कह रहा है कि सर अगर मेरे अच्छे नंबर आ गए ना, अगर मुझे मेरा रिमूव मिल गया, अगर मैं प्रमोट हो गया तो मैं ज़रूर साइंस ही लेने वाला हूँ, अभी तक मैं साइंस का बच्चा नहीं, अभी तो मैं छोटा बच्चा हूँ लोअर फिफ्थ का। तो फ्रैंक कहता है डोंट यू नो इफ यू हैव गॉट योर रिमूव? तो जो फ्रैंक है, जो दूसरे टीचर है फ्रेंडली वाले, वो कहते हैं तुम्हें अभी तक पता ही नहीं कि तुम प्रमोट हुए हो या नहीं हुए हो। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सीन क्या है कि ये स्कूल का लास्ट डे है,
ठीक है, अगले दिन स्कूल का रिजल्ट विजल्ट अनाउंस होना है, तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि तुम्हें अभी भी नहीं पता तुम्हारा रिजल्ट क्या है। तो जो है टैपलो कहता है, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो हमें रिजल्ट इस तरीके से नहीं बताते हैं, बट जो बाकी मास्टर्स हैं वो बता देते हैं। तो देखो आप इमेजिन कर लो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे कई बार स्कूल्स में ऐसा होता है कि आप लोगों को जैसे एग्जाम होता है आपका रिजल्ट पता चल जाता है, आपको मार्क्स वार्क्स पता चल जाते हैं, एंड एंड में एक पेरेंट टीचर मीटिंग टाइप होती है जहाँ पे ऑफिशियली रिजल्ट अनाउंस होता है। तो ये जो टैपलो बच्चे जब कहता है मेरे को नहीं पता मैं प्रमोट हुआ नहीं, तो फ्रैंक बड़े हैरान होकर पूछते, तुम्हें अभी तक पता ही नहीं तुम प्रमोट हुए नहीं? तो टैपलो कहता है, नहीं सर मुझे नहीं पता मैं अभी प्रमोट हुआ ही नहीं, क्योंकि जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो तो ना आखिरी दिन पे ही, जो डिजायर्ड डे होता है उसी दिन पे रिजल्ट अनाउंस करते हैं। आई नो बाकी मास्टर्स कर देते हैं, बट हमारे जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है वो भैया पीटीएम से पहले हमें रिजल्ट नहीं बताते। यहाँ मैं पीटीएम आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो रूल्स के हिसाब से एक डिजायर्ड डे होता है उसी दिन पे सारे रिजल्ट बताते हैं, बाकी टीचर्स पहले ही अनाउंस कर देते हैं बच्चों को कि तुम पास हो या फिर तुम पास नहीं हो। तो फ्रैंक कहता है, व्हाई नॉट, हाँ सही भी है क्योंकि ये तो रूल्स है। तो टैपलो कहता है, वेल यू नो व्हाट्स ही इज लाइक सर। तो टैपलो कहता है, सर आपको तो पता ही है मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं, कैसे हैं से मतलब ये कि वो काफ़ी रूल्स को फॉलो करने वाले टीचर हैं, अगर स्कूल का रूल है कि जिस दिन पे अनाउंस होना है तो वो उसी दिन पे बताएंगे, उससे पहले हमें नहीं बताएंगे। तो फ्रैंक कहता है, आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट्स शुड बी ओनली अनाउंस बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। तो फ्रैंक कहते हैं, हाँ हाँ मुझे पता है दैट एक रूल भी है दैट जो है रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए हेडमास्टर से ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। तो वो कहता है, हाँ ये तो रूल भी है ना कि आखिरी दिन पे ही रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए, आखिरी दिन से पहले नहीं होना चाहिए। फॉर्म से यहाँ मतलब है क्लास का, ठीक है कन्फ्यूज मत होना। आई बिलीव देयर इज अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट, यानी कि हर क्लास का रिजल्ट आखिरी दिन पे ही हो जाना चाहिए, बट कई टीचर्स पहले भी कर देते हैं। तो टैपलो कहता है, येस बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस। तो यहाँ पे आप देखो टैपलो जो है फ्रेंडली होने लग गया मिस्टर फ्रैंक के साथ, यानी कि वो फ्रैंक जो टीचर हैं उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली होने लग गया। तो उनको एक तरीके से कह रहा है वो कि हाँ सर पता है मुझे रूल है कि आखिरी दिन पे टर्म का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होता है कि हम प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए हैं, हमें रूम मिला है या नहीं मिला है, बट बाकी टीचर्स थोड़ी फॉलो करते हैं इस रूल को, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही तो हैं जो इस रूल को फॉलो करते हैं। तो फ्रैंक कहता है, आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरिया, सो यू हैव टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं, हाँ हाँ मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ, मैं भी पहले ही बता देता हूँ बच्चों को रिजल्ट, बट अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें तो वेट करना ही पड़ेगा कल तक टू नो योर फेट। फेट मतलब तुम्हारा फ्यूचर, अब कल तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें जो है रिमूव मिला है या नहीं मिला है, तो चलो भैया तुम कल तक का वेट करो। तो टैपलो कहते हैं, यस सर। तो यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक ने जो है देखो कंफर्म कर दिया है कि वो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं लास्ट डे पे रिजल्ट अनाउंस वाले को, वो पहले ही अपने स्टूडेंट्स को सब बता देते हैं, ठीक है। बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस ही इज़ काइंड ऑफ अ रूल से स्ट्रिक्ट वाले थोड़े ऐसे टीचर हैं, वो सारे रूल्स को फॉलो करते हैं। आगे देखते हैं क्या बातें होती हैं इनकी। तो फ्रैंक कहता है, सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल फॉलो व्हाट फॉलो देन? तो मिस्टर फ्रैंक जो है वो पूछते हैं, अच्छा अगर तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आया यानी कि तुम्हें रिमूव मिल गया तो तुम क्या कौन सा सब्जेक्ट कौन सी स्ट्रीम लेने वाले हो? तो टैपलो कहते हैं, ओ साइंस ऑफ कोर्स सर, साइंस ही तो लूंगा और क्या लूंगा। तो फ्रैंक कहते हैं सैडली, यस वी विल गेट ऑल द स्लैकर्स, हाँ भाई हमें तो सारे ऐसे बच्चे मिलने वाले हैं जिनको स्लैकर्स मतलब जो ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते, अच्छे से पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो वो कहते हैं, हाँ हमें ऐसे ही बच्चे मिलते हैं सारे। तो टैपलो कहते हैं प्रोटेस्ट करके, जैसे उसको तो ऐसा स्लैकर बोल दिया ना मिस्टर फ्रैंक ने, तो कहते हैं प्रोटेस्ट करके, नो सर आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस, नहीं सर मुझे साइंस बहुत पसंद है, अगर मेरे को साइंस मिल गई तो मैं बहुत मेहनत से साइंस पढ़ूंगा। तो फ्रैंक कहते हैं, आर यू सच्ची में? आई एम नॉट, नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। तो फ्रैंक कहते हैं, अच्छा तुम्हें इंटरेस्ट है इस साइंस में, बट सच बताऊँ तो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये जो साइंस हमें स्कूल में पढ़ानी पड़ती है उसमें। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि मिस्टर फ्रैंक भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गए हैं किसके साथ, टैपलो के साथ। वो अपने स्टूडेंट को बता रहे हैं कि जो साइंस मुझे स्कूल में पढ़ानी पड़ती है उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो टैपलो कहता है, नहीं सर साइंस बहुत इंटरेस्टिंग होती है, एटलीस्ट ये जो मक मेरे हैंड में है उससे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब ये मक मतलब क्या है? तो एक्चुअली इस समय पे ना जो हमारा ये बच्चा है टैपलो, इसके हाथ में एक बुक है। वो क्या बुक है? उस बुक का नाम मैं आपको बताती हूँ, ये इस्चिलीस है। तो ये एक ग्रीक प्ले है, तो उसके हाथ में वो ग्रीक प्ले की बुक है। तो उसको देख के वो कहता है कि ये जो साइंस है ये इस ग्रीक प्ले जो है आगमेमनॉन उससे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं, अच्छा तुम्हारा व्यू ये है कि तुम्हारे विचार ये हैं कि तुम्हें जो है ये एग्मेमनॉन बोरिंग लगती है, मक लगती है। तो जो है अब देखते हैं फ्रैंक को क्या रिप्लाई करता है टैपलो। तो टैपलो कहता है, नो सर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये प्ले बेकार है, प्ले तो अच्छा है, स्टोरी इसकी अच्छी है कि किस तरीके से एक वाइफ मर्डर करती है अपने हस्बैंड का। देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन हो रही है दोनों टीचर्स मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में। वो कह रहा है, नहीं सर मैं प्ले को गंदा नहीं कह रहा हूँ, प्ले की स्टोरी बहुत अच्छी है, जैसे आप पिक्चर देख के आते हो ना, तो कहानी अच्छी है, कैरेक्टर्स भी अच्छे थे, वो तो बस थोड़ी समझ में नहीं आई इस टाइप से। तो वैसे ही ये टैपलो कहता है, नहीं सर
कहानी बहुत अच्छी है प्ले की, कि किस तरीके से जो है वाइफ मर्डर कर देती है अपने हस्बैंड का. मुझे ये नहीं पसंद आता जिस तरीके से हमें ये प्ले पढ़ाया जा रहा है. तो नाउ अगेन इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स द स्कूल, कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से हमें ये प्ले पढ़ाया जाता है. बस कुछ ग्रीक वर्ड्स को, यानी कि बहुत डिफिकल्ट होती है ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड्स को आपस में मिक्स कर दिया है, और अगर मैं एक भी लाइन गलत बोल दूँ या कुछ भी गलती कर दूँ तो 50-50 मिस्टेक्स मेरी उसमें निकल जाती है. क्या होता है तो फ्रैंक कहते हैं यू साउंड अ लिटल बिटर टैपलो, तुम ना काफ़ी नाराज से बिटर से साउंड कर रहे हो. तो टैपलो कहता है हाँ सर आई एम, मतलब कि हाँ मैं थोड़ा सा नाराज परेशान सा आज हूँ. तो फ्रैंक पूछते क्यों कैप्टन, हाँ तो यहाँ कैप्टन का मतलब है अच्छा तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हें पनिशमेंट में यहाँ रुकने को बोल दिया गया, तुम्हें स्टे इन, कैप्टन मतलब कि टीचर से पनिशमेंट मिली है कि स्कूल के बाद स्कूल में रुकना है तुम्हारे को, इसलिए परेशान हो. तो टैपलो कहता है नो सर आई एम हेयर फॉर एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि नहीं सर मुझे ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं मिली है कि मुझे यहाँ रुकना है स्कूल के बाद में, मैं तो एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ. तो फ्रैंक बड़े हैरान होते हैं एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, तो बेसिकली ये इनका लास्ट डे है बच्चों का स्कूल का और एक दिन बाद उनका रिजल्ट पता चलना है, समझ गए. तो वो लास्ट डे जो है स्कूल का उस दिन पे उसको एक्स्ट्रा वर्क के लिए मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने बुलाया होता है. तो मिस्टर फ्रैंक कहते हैं आखिरी दिन पे तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए बुलाया है. तो टैपलो कहता है यस सर आई विश आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ, तो वो कहता है हाँ काश मैं इस समय पे गोल्फ खेल रहा होता बट नहीं मुझे तो स्कूल आना पड़ा है एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए. आगे जो है टैपलो कहता है यू वुड थिंक ही हैड इनफ टू डू एनी वे हिमसेल्फ कंसिडरिंग ही इज लीविंग टुमारो फॉर गुड. तो यहाँ पे एक और चीज़ रिवील हुई है दैट कल जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस जा रहे हैं, ठीक है. तो उनके पास खुद भी बहुत काम है अपना कंप्लीट करने के लिए बट फिर भी आप देख रहे हो वो कैसे टीचर है, वो कल जा रहे हैं स्कूल से बट फिर भी उन्होंने आखिरी दिन पे जो है टैपलो को बुलाया है उसका पेंटिंग वर्क कंप्लीट करने के लिए, उसका काम कंप्लीट करवाने के लिए. तो यू कैन सी हियर हाउ डेडिकेटेड टीचर ही इज, कि दो उनके बहुत सारे काम है, उन्हें कहीं जाना है कल बट फिर भी उन्होंने आज जो है एक्स्ट्रा वर्क के लिए टैपलो को बुलाया है जरूर, ठीक है. तो आगे देखते हैं आई मिस द डे लास्ट वीक व्हेन आई वाज इल सो हियर आई एम एंड लुक एट द वेदर सर. तो वो कहता है कि सर एक्चुअली मैंने ना आखिरी हफ्ते में छुट्टी मार ली थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए आज जो है सर ने मुझे एक्स्ट्रा वर्क जो मेरा उस दिन रह गया था उसके लिए बुला लिया है और आज आप देखो कितना अच्छा वेदर होता है, काश मैं बाहर गोल्फ खेल रहा होता. तो आगे देखते हैं फ्रैंक कहते हैं बैड लक, अरे तुम्हारा तो बैड लक है बट चलो कोई बात नहीं, मतलब बैड लक क्या है कि इतने अच्छे दिन पे वो गोल्फ नहीं खेल पा रहा तो स्कूल आना पड़ा है एक्स्ट्रा वर्क के लिए. बट फ्रैंक कहते हैं चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम्हें एक कंफर्ट है कि आज जिस तरीके से तुम आज ये एक्स्ट्रा वर्क करने आए हो तो तुम्हें तुम्हारा रिमूव तो मिल ही जाएगा, तुम्हारे से इंप्रेस हो गया जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तुम्हें रिमूव यानी कि तुम्हें प्रमोट कर देंगे, तुम्हें एक गुड बॉय का जो है रिवॉर्ड दे देंगे तो एक्स्ट्रा वर्क करने का. तो टैपलो कहते हैं नो सर मुझे कोई शॉर्टी नहीं है इस बात की कि मुझे गुड बॉय बनने का रिवॉर्ड मिलेगा या मुझे रिमूव यानी कि प्रमोशन मिल जाएगा इस बात पर कि मैं अपना होमवर्क या फिर एक्स्ट्रा वर्क कंप्लीट करने आया हूँ. ये बाकी टीचर्स के लिए ट्रू हो सकता है कि बाकी जो टीचर्स है शायद वो इस चीज़ से खुश हो जाए कि बच्चा आखिरी दिन पे काम कंप्लीट करने आया और रिमूव दे दे, बाकी टीचर्स ऐसा करेंगे बट those sort of rules don't apply to the croc, the croc. अब आप देखो वो इतना फ्रेंडली हो गया है मिस्टर फ्रैंक के साथ, टीचर जो है फ्रैंक उनको ये साथ में, दैट वो जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का पेट नेम होगा ना जो स्कूल में बच्चे हम गए टीचर्स के पेट नेम रख देते हैं, तो जो पेट नेम वो टीचर वाला है ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस का वो बोलने लग गया those sort of rules don't apply to the croc, और फिर अपने आप को करेक्ट करके कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस. बट ये रूल ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस पे नहीं लगते कि वो इंप्रेस होकर बच्चों से उन्हें रिमूव यानी कि प्रमोट कर देंगे. इनफैक्ट मैंने तो उनसे कल पूछा भी था, डायरेक्टली मैंने उनसे जाके पूछा कि उन्होंने मुझे रिमूव यानी कि प्रमोट कराया या नहीं कराया और आपको पता है उन्होंने मुझे क्या कहा. तो वो जो है फ्रैंक कहते हैं हाँ बताओ क्या कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, जब उन्होंने तुमने उनसे पूछा कि क्या रिजल्ट है तुम्हारा, तो जो है अब टैपलो इमीडिएट यानी कि एक्टिंग करके दिखाता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की किसको, मिस्टर फ्रैंक को. तो यू कैन सी हियर कितने ज्यादा फ्रेंडली ये दोनों हो गए हैं. तो अब टैपलो एक्टिंग करता है अपने टीचर मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, कहता है माई डियर टैपलो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. तो यहाँ पे वो एक्टिंग करके दिखा रहा है अपने सर की और कहता है कि मुझे सर ने कहा कि तुम्हें जो डिजर्व करते हो वही दिया, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा. डू यू नो सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ना मेरे मार्क्स कम कर दिए होंगे ये एक्स्ट्रा वर्क की वजह से, इनफैक्ट ज़्यादा नहीं करेंगे कम कर दिए होंगे फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. आई मीन ही इज़ हार्डली ह्यूमन, हार्डली ह्यूमन मतलब एकदम से इतना ज़्यादा कैरिड अवे हो जाता है, इतना ज़्यादा ही फ्रेंडली हो जाता है टैपलो मिस्टर फ्रैंक के साथ कि वो ना गुस्से में आके ये कह देता है दैट जो ये हमारे टीचर है ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस, इन्होंने तो मेरे मार्क्स कम कर दिए होंगे इस वजह से कि मेरे को आखिरी दिन पे आज ये एक्स्ट्रा वर्क करने आया हूँ, यानी कि मैंने उस दिन छुट्टी मारी थी तो आज एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आया हूँ, इससे वो इंप्रेस नहीं होकर मुझे ज़्यादा नंबर नहीं देंगे, मुझे तो लग रहा है उन्होंने इस बात पे मेरे कम मार्क्स कर दिए होंगे. वो हार्डली ह्यूमन है यानी कि उनमें कोई फीलिंग्स नहीं है. और जैसे ही वो बोलता है तो वो थोड़ा डर भी जाता है और कहता है सॉरी सर हैव आई गॉन टू फर, सॉरी सर मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं बोल दिया है. अब वो एक टीचर के सामने दूसरे टीचर को ये कह रहा है कि वो ह्यूमन ही नहीं यानी कि उनमें फीलिंग्स नहीं है, वो अच्छे नहीं है, तो वो थोड़ा डर भी जाता है और कहता है सॉरी सर हैव आई गॉन टू फर. तो फ्रैंक कहता है यस टू मच फर, हाँ तुमने बहुत ज़्यादा ही बोल दिया. तो टैपलो कहता है सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे, सॉरी सर मैं भावना
भावनाओं में बह गया था। तो फ्रैंक कहते हैं एविडेंटली, और अब जो है फ्रैंक थोड़ा सा अपना पॉस्चर चेंज करते हैं, न्यूज़पेपर उठाते हैं एंड न्यूज़पेपर को खोलते हैं और कहते हैं टैपलो। तो टैपलो पूछता है यस सर। तो फ्रैंक कहते हैं व्हाट वाज द क्रॉकर हैरिस सेड टू यू, जस्ट रिपीट इट वुड यू। तो बेसिकली आप देखो फ्रैंक को भी ना मजा आया, वो जो मिमिक्री उसने करी थी ना अभी टैपलो ने वो सुन के, तो वो ऐसे न्यूज़पेपर खोल के उन्हें कहते हैं टैपलो को कि दोबारा करके देखा ना क्या बोला था तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने। तो टैपलो दोबारा इमिटेट कहता है माय डियर टैपलो आई हैव गिवन यू व्हाट एग्जैक्टली यू डिजर्व, नो लेस नो मोर। और अब की बार फ्रैंक कहते हैं अरे नहीं नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते हैं हमारे क्रॉकर हैरिस, तुम चुपचाप जो है ना एस्चिलीस पढ़ो और चुप हो जाओ। एस्चिलीस क्या, वो जो उसकी बुक है ना उसके हाथ में वो ग्रीक प्ले की एग्मेमनॉन वाली, कहते हैं तुम चुप हो जाओ इस प्ले को पढ़ना शुरू कर दो। तो टैपलो कहता है एस्चिलीस विद डिसलाइक, यानी कि उसको तो बहुत मज़ा आ रहा था टीचर से बातें करने में और अब उन्होंने न्यूज़पेपर उठा लिया और उसको कहता है तुम बुक पढ़ लो, तो कहता है एस्चिलीस। तो फ्रैंक कहता है लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। तो फ्रैंक कहते हैं अब कि किस समय बुलाया था तुम्हें मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने यहाँ पे, तो वो कहते हैं 6:30 बजे बुलाया था। तो कहते हैं अब तो 10 मिनट लेट हो गया यानी ऊपर हो गया टाइम, तो तुम चले जाओ यू कैन गो एंड प्ले गोल्फ, ठीक है अब तुम्हारे टीचर ही जब लेट हो गया तो तुम चले जाओ गोल्फ खेल लो। तो टैपलो कहता है ओह नो मैं नहीं ऐसे कर सकता कि मैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात नहीं मानूं और गोल्फ खेलने चले जाऊं, आई कुडंट कट द क्रॉक। तो बेसिकली अब टैपलो कहता है नहीं सर, कट द क्रॉक मतलब कि नहीं सर मैं ऐसे जो है हम मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बात को ऐसे ही कट नहीं कर सकता हूं, मैं यहीं रहूंगा मैं नहीं बाहर जा सकता हूं, पता चला कि मैं बाहर चला गया गोल्फ खेलने तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस कहीं गुस्से में मेरे घर तक मेरे पीछे पीछे ना आ जाए, आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ हिम, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो यहां पे आप देख हो कि वो वहीं पे वेट कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। तो फ्रैंक कहते हैं आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव यू ऑन बॉयज। तो अब जो है मिस्टर फ्रैंक कहते हैं कि मुझे कई बार जलन हो रही है, एनवी मतलब जलन हो रही है मेरे को, क्या बात की जलन हो रही है, उन्हें ये बात की जलन हो रही है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस का ऐसा इफेक्ट कैसे है सारे लड़कों पे, फॉर्म के मतलब क्लास के, कि वो जो बच्चे हैं ना उनकी बात को बहुत ज़्यादा मानते हैं, समझ गए कि अगर कोई रूल या कोई ऑर्डर या कोई काम अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कहा तो बच्चे करेंगे ही। जैसे आप टैपलो को देख लो, मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं है तब भी वो उनका वेट कर रहा है, कह रहा मैं नहीं जाऊँगा बाहर, वो इतना उनसे आप कह सकते हो डरा हुआ है कि वो कह रहा नहीं सर मैं तो वेट ही करूँगा हमारे सर का। तो कह रहा What does he do? Beat you all or something? क्या? तो अब जो है मिस्टर फ्रैंक पूछते हैं कि इतना ज़्यादा जो तुम इतने ऑर्डर्स मानते हो अपने मिस्टर क्रॉकर हैरिस के, कहीं वो तुम्हें डराने के लिए मारते पीटते तो नहीं है तभी तुम उनके सारे ऑर्डर्स मानते हो। तो अब तो आप लोग कहते हैं नो सर सैडिस लाइक वन और टू ऑफ अदर्स। अब सैडिस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे तो है फ्रैंक ने क्या पूछा कि कहीं तुम्हें टीचर मारते तो नहीं है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, वो पिटाई लगाते हो इसलिए तुम उनकी सारी बातें मानते हो। तो टैपलो कहते हैं नहीं सर वो सैडिस नहीं है, सैडिस मतलब कौन होते हैं, वो लोग जो दूसरों को जो है पेन पहुंचा के खुश होते हैं, यानी कि उन ऐसे लोग जो दूसरों को मार पीट के खुश होते हैं। वो कहता है कि नहीं सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस सैडिस नहीं है, बाकी टीचर्स हैं। यहाँ पे देखो उसने क्या कहा लाइक वन और टू अदर्स, यानी कि बाकी कुछ टीचर्स हैं हमारे स्कूल में जो थोड़े सैडिस हैं, यानी कि उन्हें बच्चों को मार के खुशी होती है, बट नहीं मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं है। तो अब यहाँ पे फ्रैंक कहते हैं आई बेग योर पार्डन, मतलब बेग योर पार्डन मतलब जब अगर आपको किसी की कोई बात समझ में नहीं आती तो आप कहते हो बेग योर पार्डन। तो जैसे ही फ्रैंक कहते हैं बेग योर पार्डन तो टैपलो कहता है अ सैडिस सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। तो जो है टैपलो को लगता है कि जो हमारे फ्रैंक है उनको सैडिस का मीनिंग नहीं पता है, जैसे शायद हम लोगों को भी नहीं पता था। तो वो जो है समझाता है किसको, फ्रैंक को सर, टैपलो समझाता है फ्रैंक को कि सर सैडिस मतलब होता है वो लोग जो दूसरों को मार के खुश होते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंक कहते हैं इंडीड हाँ मुझे पता है सैडिस का मीनिंग, तो मुझे तुम ये बताओ तुम कौन से मास्टर्स की बात कर रहे हो जो दूसरों को मार के खुश होते हैं बच्चों को मार के। तो टैपलो कहता है सर आपको भी पता है हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स हैं जो कुछ बच्चों को मार के खुश होते हैं, हम बच्चों को सब कुछ समझ में आता है, बट यू डोंट वरी आप ऐसे नहीं हो, आप तो डिफरेंट हो, आप तो वेरी यंग हो कंपैरेटिवली एंड एनीवे आप तो साइंस पढ़ाते हो, आप सैडिस नहीं हो। तो यहाँ पे जो है थोड़ी सी बटरिंग करने लगता है मिस्टर फ्रैंक की, ये कहेगी कि आप तो बहुत यंग और आप तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट साइंस पढ़ाते हो, आप नहीं हो उन टीचर्स जैसे सैडिस जैसे एंड ना ही क्रॉकर हैरिस है। तो फ्रैंक पॉज लेते और कहते हैं गुड लॉर्ड व्हाट आर आर स्कूल्स कमिंग टू। तो यहाँ पे मिस्टर फ्रैंक हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चे आजकल की जनरेशन के कैसे होते जा रहे हैं, और कहते हैं व्हाट गुड लॉर्ड हमारे स्कूल्स को क्या होता जा रहा है। तो टैपलो कहता है एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस। तो फिर से वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस का पेट नेम लेके कहता है एनीवे मैं ये कहना चाह रहा था कि मिस्टर क्रॉक जो है वो जो है सैडिस यानी कि दूसरों को मारपीट के खुश होने वाले नहीं है। इनफैक्ट वो डिस्क्रिप्शन देता है एक मिस्टर क्रॉक का और कहता है कि वो तो काफ़ी मुझे लगता है डरते हैं ज़्यादा ओपन अप होने में, वो अपनी फीलिंग्स शो नहीं करने देते हैं खुद को, एंड इनफैक्ट अगर कोई उन्हें लाइक करता है तो उन्हें वो बात भी पसंद नहीं आती है, यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस काफ़ी रिजर्व टाइप के हैं, वो नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें लाइक भी करें। और टैपलो कहता है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई टीचर नहीं होंगे जिन्हें बच्चों को से खुद को पसंद करवाना अच्छा ना लगता, यानी कि बटरिंग करवाना अपनी अच्छा ना लगता हो, बट मिस्टर
जो क्रॉकर हैरिस है वो ऐसे नहीं है, वो काफ़ी रिजर्व रहते हैं, वो जो है नहीं चाहते कि कोई बच्चे उन्हें लाइक करे। आप यहाँ पढ़ भी सकते हो, ही इज़ ऑल्सो वेल्ड अप इनसाइड लाइक अ नट, यानी कि वो बहुत रिजर्व रहते हैं। ही सीम्स टू हेट पीपल लाइक हिम, यानी कि अगर कोई उन्हें लाइक करता है, उन्हें बटरिंग करता है, तो उन्हें वो अच्छा नहीं लगता। इट्स फनी दैट आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजन लाइक बींग लाइक, बट कि मुझे तो इतना फनी लगता है, टीचर्स को तो अच्छा लगता है कि कोई आके उन्हें लाइक करे, बच्चे आके उन्हें प्रेज करे, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो फ्रैंक कहता है एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजन यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पज। तो जब अब देखो टैपलो ने क्या कहा कि टीचर्स को अपनी तारीफें करवानी अच्छी लगती है, तो अब यहाँ मिस्टर फ्रैंक बींग अ टीचर वो अपनी टीचर्स की साइड से बोलते हैं कि और हाँ मुझे भी कोई ऐसा बच्चा नहीं पता जो इस चीज़ का मिसयूज ना करता हो अपने पर्पज़ के लिए, यानी कि टीचर्स की बटरिंग ना करता हो अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंडली कॉन्वर्जेशन आप देख सकते हो टैपलो की और मिस्टर फ्रैंक की, दैट जैसी टैपलो ने बोला ना कि टीचर्स को अपनी तारीफें कराना पसंद होता है, तो मिस्टर फ्रैंक टैपलो को कहते हैं कि हर बच्चा जो है टीचरों की तारीफ करके अच्छे मार्क्स लेने की कोशिश करता है। तो टैपलो कहता है इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। हाँ सर नेचुरल है ये प्रोसेस, तो टीचर्स तारीफ कराते हैं और बच्चे नंबर के लिए टीचर्स की तारीफ करते हैं, बट मिस्टर क्रॉकर हैरिस के साथ ऐसा नहीं है। और फनी थिंग तो ये है कि मुझे कभी कभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस अच्छे लगते हैं, आई कांट हेल्प इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टैपलो है दो मिस्टर क्रॉकर हैज बहुत स्ट्रिक्ट है, बट वो फिर भी उनको बहुत पसंद करता है, एंड सम टाइम आई थिंक ही सीज इट एंड श्रिवल अप। और कहता है कि कभी कभी मिस्टर क्रॉकर हैरिस को पता चल जाता है कि मैं उन्हें लाइक करता हूँ, तो वो काफ़ी थोड़े से अनकंफर्टेबल से हो फ्रैंक जाते कहते हैं हैं। तुम तो अब काफ़ी एग्जैजरेट कर रहे हो इस बात को। तो आगे पढ़ते क्या होता है, तो टैपलो कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैजरेट करूँ, एग्जैजरेट किस बात को कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें पसंद करे। तो कहते हैं नहीं सर ऐसा ही है, इनफैक्ट अपनी क्लास का एक इंसिडेंट बताता है अब टैपलो मिस्टर फ्रैंक को। कहता है कि एक बार ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने क्लास में एक जोक मारा, और वो जोक काफ़ी क्लासिकल सा जोक था, यानी कि डिफिकल्ट लैंग्वेज का जोक था और एक पुअर जोक था। हम में से किसी बच्चे को वो जोक ना ही समझ में आया, तो कोई बच्चा नहीं हंस रहा था, बट आउट ऑफ पोलाइटनेस जो था मैंने उस जोक पर हंस दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया था बट फिर भी मैं हंस दिया कि अरे चल सर ने तो हमें हंसाने के लिए जोक मारा है, तो मैं हंस दिया। बट ये चीज़ भी जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को समझ में आ गई, एंड यू नो उन्होंने मुझे क्या कहा। अब टैपलो फिर से जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की बातों को इमिटेट करते और कहता है टैपलो यू लव दैट माई लिटिल जोक आई नोटिस, आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम प्लीज दैट यू आर एडवांस इन योर लैटिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो है टैपलो बताता है कि जब सर मैं हंस दिया ना सर के जोक पे, तो सर ने मुझे कहा अच्छा तुम्हें मेरा जोक समझ में आ गया, मतलब तुम्हारी लैटिन बहुत अच्छी हो गई है क्योंकि मैंने लैटिन में जोक मारा था। तो अच्छा एक काम करो जो जोक में तुम्हें समझ में आया ना वो अपने क्लास में फ्रेंड्स को भी समझाओ। तो यहाँ पे आप so समझ सकते हो दैट वो सिचुएशन प्रूव हो गई है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं चाहते कि बच्चे उन्हें लाइक करें, उन्हें प्रेस करें इस तरीके से। तो वो क्या करते हैं, जब जो है हमारा टैपलो फेक लाफ करता है ना आउट ऑफ पोलाइटनेस, हंस देता है सर के जोक पे क्रॉकर हैरिस के, तो क्रॉकर हैरिस इनफैक्ट टैपलो को उठा के कहते हैं अच्छा अच्छा तुम्हें इतने अच्छे से जोक समझ में आ गए, तुम्हारी लैटिन इतनी अच्छी हो गई है, तो एक काम करो पूरी क्लास को ये जोक समझा दो। तो यहाँ पे वो चीज़ भी प्रूफ हो गई। अब आता है हमारे प्ले में थोड़ा सा टर्न। मैंने आपको कहा था ना प्ले में थोड़ी देर बाद जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस तो नहीं आएंगे पूरे प्ले में, मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ आते हैं। तो अब वही समय है, डोर अप राइट इज पोस्ट ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर, यानी कि जो राइट में डोर था वो जो है खुलता है और मेरी क्रॉकर हैरिस सेंटर होती है। वो एक पतली सी लेडी है, लेट 30s की है और बहुत ही स्मार्टली ड्रेस करी हुई है उन्होंने। जनरली स्कूल मास्टर्स की जो वाइफ होती है इतनी ज़्यादा स्मार्ट सी नहीं होती है, बट वो काफ़ी स्मार्ट सी है, ठीक है। उन्होंने एक केप पहना हुआ है, केप यानी कि एक लॉन्ग सा कोट श्रग टाइप का पहना हुआ है, और उनके हाथ में एक शॉपिंग वाली बास्केट है। वो दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर स्क्रीन के पास खड़ी हो जाती है, टैपलो और फ्रैंक को देख रही होती है कुछ सेकेंड से। मिस्टर क्रॉकर और हैरिस की वाइफ है मिली बोलूंगी मैं, समझ जाना, जो मिली है वो एंटर कर गए हैं मिली क्रॉकर हैरिस, और अभी तक टैपलो और फ्रैंक ने उन्हें नोटिस नहीं करा। वो तो अपनी बातें कर रहे हैं और एंटर कर गई हैं उनकी वाइफ रूम के अंदर, तो वो उनको देख रही हैं और वो अपनी बातें कर रहे हैं। अब क्या बातें करें लेट अस सी। तो इस समय पे फ्रैंक जो है ना वो टैपलो को फोर्स कर रहे हैं कि वो जो जोक था मुझे भी सुना दो, डोंट बी सो सेल्फिश कि ये जोक तुम अपने पास रख लो, मुझे भी सुना दो ये जोक। एंड सडनली जो है फ्रैंक को ऐसा लगता है कि कोई रूम में है, तो वो कहते हैं ओ लॉर्ड, उनको जो आवाज़ आती है तो वो कहते हैं ओ लॉर्ड हैं। तो काफ़ी रिलीफ हो जाते हैं देख कर कि वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस नहीं है, मिली है यानी कि उनकी वाइफ है। और फ्रैंक जो है हेलो बोलते हैं किसको, मिली क्रॉकर हैरिस को, और मिली क्रॉकर हैरिस भी बिना किसी एक्सप्रेशन के जो है हेलो बोलती हैं और अपनी जो बास्केट है वो रखने स्टार्ट कर देती हैं। तो वो काफ़ी शॉपिंग करके आई होती है, तो वो अपना सामान जो है उसको मैनेज करना शुरू कर देती है। तो टैग टैपलो जाता है जो कि सर की वाइफ आ गई है, तो वो डर के जो है फ्रैंक से पूछता है आपको क्या लगता है उन्होंने सुना होगा। एंड इस समय पर जो मिली है वो जो उन्होंने
केप पहना हुआ था, कोट पहना हुआ था, उतार के जो है एक स्टैंड पे टांग रही होती है। तो जो है फ्रैंक कहते हैं आई थिंक शी डिड, शी वॉज स्टैंडिंग देयर अ क्वाइट अ टाइम, शायद उन्होंने सुन भी लिया हो, वो काफ़ी देर से वहाँ खड़ी हुई थी। तो टैपलो कहता है अगर उन्होंने सुन लिया होगा और उन्होंने अपने हस्बैंड को यानी कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता दिया, तब तो मेरा रिमूव गया, तब तो मैं प्रमोट होऊंगा ही नहीं कि मैं उनके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ, उनकी मिमिक्री कर रहा हूँ, अब तो मेरा प्रमोशन गया। तो फ्रैंक कहते हैं नॉनसेंस, अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, और फायर प्लेस की तरफ चल जाते हैं। अब मीनवाइल ये आप देख रहे हो कि हमें बता रहे हैं मिली वहाँ रूम में क्या कर रही है। मिली जो है बास्केट को जो है एक साइड बोर्ड पे रख देती हैं, फिर उसको टेबल पे रख देती हैं, फिर बास्केट में से सामान निकालती हैं, और मिली जो है टैपलो को बोलती है वेटिंग फॉर माय हस्बैंड। तो वो टैपलो से पूछती है अच्छा मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे हो, तो टैपलो कहता है लेफ्ट साइड में होके यस हाँ मैम मैं आपके हस्बैंड का वेट कर रहा हूँ। तो मिली कहती है ही इज़ एट द बुर्सर्स, और वहाँ पे तो अभी उन्हें बहुत टाइम लगेगा, तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ। बुर्सर मतलब कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो डील करते हैं ना उनके पास गए हुए हैं वो, तो उनको काफ़ी टाइम लगेगा, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो टैपलो कहता है दैट सर ने मुझे कहा था आने को, तो नहीं मैं जा तो नहीं सकता हूँ। तो मिली कहती है वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर एंड कम बैक, शी अनपैक सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट। तो मिली सामान निकाल रही है बास्केट में से और कहती है अरे 15 मिनट के लिए ही चले जाओ, क्या लिखा है क्वार्टर ऑफ एन आवर, क्वार्टर एंड ऑफ आवर मतलब 15 मिनट के लिए तुम चले जाओ, इतनी देर में वो आ जाएंगे। तो यहाँ पर टैपलो कहते हैं नहीं मैम अगर मैं गए और वो मेरे से पहले आ गए तो क्या होगा। तो मिली कहती है आई टेक द ब्लेम, डोंट वरी मैं तुम्हारा ब्लेम ले लूँगी, और बास्केट में से एक पेपर निकालती है, उस पर प्रिस्क्रिप्शन लिखा होता है यानी कि कुछ दवाइयाँ लिखी होती हैं केमिस्ट से। तो कहती हैं जाओ टैपलो ये दवाइयाँ लेकर आ जाओ और 10-15 मिनट में आ जाना केमिस्ट से दवाइयाँ लेके, तुम्हें भी ब्रेक मिल जाएगा, और अगर तुम्हारे आने से पहले मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ गए तो मैं ब्लेम ले लूँगी, मैं ये कह दूँगी कि मैंने टैपलो को तुम्हारे लिए दवाइयाँ लेने भेजा है। तो टैपलो कहता है ऑल राइट मिस्टर क्रॉकर हैरिस, और जो है वो चला जाता है, और यहाँ पर आपका ये प्ले जो है ख़त्म हो जाता है। तो हमारे को तो ना छोटा सा ही एक्सर्प दिया इस प्ले का, आगे ये प्ले काफ़ी लंबा है वो हमें नहीं पढ़ना है। तो ये प्ले हमें क्यों पढ़ाया गया है, बेसिकली ये प्ले में हमारे को जो है बॉन्डिंग शो कर रहे थे, जो कॉन्वर्जेशन थी बेसिकली वो शो कर रहे थे बिटवीन मिस्टर फ्रैंक एंड टैपलो की। टैपलो मिस्टर फ्रैंक से कितना ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है कि वो उनको सब कुछ इस तरीके से बताता है, इवन दूसरे टीचर की मिमिक्री भी करता है, बट एट द सेम टाइम वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की रिस्पेक्ट भी करता है, अगर वो स्ट्रिक्ट है तो वो उनको थोड़ा बहुत लाइक भी करता है एंड उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहता है। तो विद दिस हमारा ये प्ले कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों ने भी रिलेट करा होगा अपने उन टीचर्स से जिनसे आप बहुत फ्रेंडली हो एंड जिन जो कुछ स्ट्रिक्ट टीचर बट आप उनको लाइक करते हो और उनके ऑर्डर्स को ओबे करते हो उन टीचर्स से। ओके तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डू लाइक दिस वीडियो, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्लास 11th इंग्लिश का फुल सिलेबस पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है 11th इंग्लिश के पूरे सिलेबस की, जाके आप टर्म 1 एंड टर्म 2 का सिलेबस पढ़ सकते हो। 11th ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स आर आल्सो गिवन। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट्स। एंड आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, समरीज चाहिए, वर्ड मीनिंग, पोएटिक डिवाइसेस इंग्लिश के, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक गिवन है, वहाँ पे मैंने सभी चैप्टर्स के नोट्स अपलोड करे हैं। सो इफ यू यूज इंस्टाग्राम यू कैन चेक आउट द स्टडी मटेरियल। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।